हेलो दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद आरिफ। भारत में कई कंपनियां ग्राहकों को गुमराह कर रही हैं, खतरनाक जंक फूड बेच रही हैं। सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड साइंस CASE का दावा है कि मैगी भी सेहत को नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी है। मैगी में MSG का मात्रा निर्धारित मात्रा से 8 गुना अधिक पाया जाता है। MSG की साधारण भाषा में लेड यानी शीशा कहते हैं। उत्तर प्रदेश में जिन सैंपल्स की जांच की गई उसमें इसकी मात्रा 8 गुना से भी ज़्यादा है। दोस्तों, हमारे यहाँ जो चिप्स की पैकेट मिलती है उसमें भी E631 लिखा होता है, जो एक कोड भाषा है। वह दरअसल सुअर की चर्बी होती है। कमाल है दोस्तों, शायद ही कोई भारतीय परिवार बचा होगा जिनके घर में चिप्स न आई हो। बात हो रही है E631 की। जिस किसी भी पदार्थ पर लिखा दिखे E631 तो समझ लीजिए कि उसमें सुअर की चर्बी मिली हुई है। गूगल से आप पता कर सकते हैं। किंतु अपने देश में धल्ले से ही इसका उपयोग होता है। मूल तौर पर यह पदार्थ सुअर की चर्बी से प्राप्त होता है और ज़्यादातर नूडल्स चिप्स में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो फिर इस बेकार चर्बी का करें तो क्या करें। पहले तो इसे जला दिया जाता था, लेकिन फिर दिमाग दौड़ाकर इसका उपयोग साबुन वगैरह में किया गया और यह हिट रहा। फिर तो इसका व्यापारिक जाल बना दिया गया। इस तरह बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नींद उड़ गई। आखिर उनकी 75% कमाई मारी जा रही थी। इन बातों से हार कर एक राह निकाली गई। अब गुप्त संकेतों वाले भाषा का उपयोग करें सोची गई, जिसे केवल संबंधित विभाग ही जाने कि यह क्या है। आम उपभोक्ता अनजान रहे, आम आदमी जो हैं वो जान ही नहीं पाएंगे इसके अंदर क्या है, इसके अंदर किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। सब हजम करते रहे, तब जन्म हुआ ई कोड का। यह E631 पदार्थ कई चीज़ों में उपयोग किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, चिंगम, चॉकलेट, मिठाई, बिस्कुट, टॉफी, डिब्बाबंद कुछ खाद्य पदार्थ आदि में, कुछ मल्टीविटामिन भी गोलियों में भी यह पदार्थ होता है। शिशु किशोरों की सहित अस्थमा और गठिया के रोगियों को इस E631 पदार्थ मिश्रित सामग्री को उपयोग नहीं करने की सलाह है। लेकिन कंपनियां कहती हैं इसकी कम मात्रा होने से कुछ नहीं होता। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही नुकसानदेह है। कृपया आप इसे देखें, कभी भी कुछ खरीदें तो उस पर एक बार ज़रूर देखें कि E631 क्या है। अगर है तो इस पर थोड़ा सा बचें, क्योंकि ये बहुत ही नुकसानदेह है हमारे सेहत के लिए। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर ऐसे कुछ है तो उसको लाने से बचें, बच्चों को खिलाने से बचें। ये आपके सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही ख़ास चीज़ है। दोस्तों, हमें भी नहीं मालूम था, मैंने कुछ सर्च किया, मैंने देखा तो मुझे मालूम हुआ, तो मैं सोचा आप दोस्तों के साथ इस बात को शेयर करूँ और आप तक ये बात अपनी बताऊँ। धन्यवाद।